तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी और गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे भी लगा दिया। इसकी कहानी आपने सुन ली होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रात को भरतनाट्यम देख रहे थे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और तभी उनके पास आया था एक मैसेज तीस्ता सीतलवाड़ के केस से जुड़ा। चलिए मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ कि आखिर उस शाम क्या क्या हुआ था। पहले आपको वो बताता हूँ जो सारी मीडिया में चल रहा है। 1 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने तीस्ता की याचिका पर सुनवाई की। दोनों जजों के एकमत न होने की वजह से मामला बड़ी बेंच को रेफर किया गया। रात करीब 9 बजे 3 जजों की बेंच ने न सिर्फ तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी, बल्कि साथ ही गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर भी स्टे लगा दिया। अब ये तो हो गई बाहर की बात, अब आपको बताता हूँ अंदर की बात, यानी कि उस शाम की बात। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की शाम तीस्ता सीतलवाड़ मामले में सुनवाई से जुड़े कई लोग एक साथ दिल्ली के चिन्मय मिशन में एक भरतनाट्यम का प्रोग्राम देख रहे थे। असल में वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज केवी विश्वनाथ की बेटी भी परफॉर्म कर रही थी, इसलिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी शामिल हुए थे। उसके बाद शाम के करीब 6 बजे भरतनाट्यम शुरू हुआ। ठीक उसी वक्त तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात हाई कोर्ट के तुरंत आत्मसमर्पण करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और अंतरिम जमानत के लिए अनुरोध करती हैं। विशेष सुनवाई के लिए शाम 6:30 बजे जस्टिस ASO का और प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच बैठती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी सुनवाई के बारे में बताया जाता है। वो भरतनाट्यम से निकलकर गुजरात सरकार का पक्ष रखने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। फिर वही याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों न्यायाधीशों की राय अलग अलग थी और मामले को 3 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजा गया। बड़ी बेंच में कौन कौन होगा, इसका फैसला CJI को करना था, जो उस वक्त भरतनाट्यम देख रहे थे। शाम के करीब 7 बजे होंगे याचिका पर सुनवाई के बाद CJI के पास पहुंची। वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जारी परफॉर्मेंस के बीच में उठकर कुछ देर के लिए बाहर गए। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वापस लौट आए। कुछ ही वक्त बाद CJI को फिर से ऑडिटोरियम से बाहर निकलते देखा गया। वो 10 मिनट बाद फिर से वापस आ गए। भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस खत्म होने और दर्शकों के लौटने के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना को मामले की जानकारी दी। ये दोनों जज बड़ी पीठ के हिस्सा थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामले को न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त को सौंपा गया। रात 9:15 पर सुनवाई हुई और रात करीब 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी और तुरंत आत्मसमर्पण करने के गुजरात सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।